वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल टीम डी ऑफिशियल। मैं हूं डियागोरी। तो गाइस आज 44 के बैटल में दो बेहतरीन टीमें होने वाली है। एक तरफ होने वाली है नन अदर देन द कंकुरर फॉर एंडीज पावर, जिनके लाइन की बात करें जैनम शांतनु किशु एंड जी विनी आज का एंड काफी उम्दा गाइस ये टीम होने वाले। दूसरी तरफ है गाइस अगर टीम डी के लाइनअप की बात करें द मॉन्स्टर, जिनकी तरफ से बादशाह 27 ब्रोकन एंड राइजन। एंड गाइस मुकाबला काफी बेहतरीन। पहला राउंड आज का गाइस क्लॉक टाइम एंड द मैच स्टार्ट एंड इट्स शो टाइम। एंड जी आते ही बादशाह की तरफ से एक प्लेयर शुरू यहां पे डाउन ले लिया गया। एंड जिस तरीके की कोऑर्डिनेशन यहां पे मेरे को पता चली है कि 27 ने काफी अच्छा खासा यहां पे डैमेज दिया था। एंड बादशाह ने यहां पे जी एक प्लेयर को डाउन ले लिया। एक प्लेयर गाइस अबे दोनों टीमों से डाउन हो चुका है। फिर एंड स्क्वायर गाइस मुकाबला चलता है। एंड देखते देखते टीम डी के गाइस अबे दो प्लेयर डाउन हो चुके हैं। मुकाबला काफी उम्दा। एंड जी शांतनु ये गाइस बहुत उम्दा खिलाड़ी होने वाला है। एंड कभी भी यहां पे पास से पलटने का दम रखता गाइस। 2v2 का मुकाबला टीम डी की तरफ से ब्रोकन अभी बचे हैं। जी ये बढ़िया शॉट, लेकिन जी अबे गलती कर जाएंगे। एंड शांतनु की तरफ से अबे डाउन ले लिया जाएंगे। एंड काफी तेज से मेरे को मैडी करते हुए नजर आ रहे। काफी उम्दा गाइस खिलाड़ी होने वाले। 1v2 का मुकाबला सामने तरफ ब्रोकन अकेले मेरे को बचते हुए नजर आ रहे। एंड कहीं ना कहीं जी ने यहां पे बादशाह बचकर ब्रोकन को जुरा में डाउन ले लिया गया। एंड सामने तरफ विनी एंड शांतनु काफी उम्दा गाइस खिलाड़ी। 1v2 का मुकाबला स्टार्टिंग के राउंडों से ही 4 एंडी स्पोर्ट जो है गाइस यहां पे बढ़त बनाने की कोशिश मेरे को करते हुए नजर आ रहे, लेकिन क्या बना पाएंगे बादशाह। बहुत उम्दा गाइस यहां पे खिलाड़ी है। 1v2 का कलश निकालना कोई बड़ी बात इनके लिए नहीं होने वाली, लेकिन जी शांतनु जब तक चट्टान माफिक इनके सामने खड़े हैं तो भाई मुश्किलें काफी होने वाली हैं। जी ये प्रबल दावेदार जरूर होने वाले। 4 एंडी स्पोर्ट गाइस बहुत उम्दा। एंड फिलहाल जो टाइम चल रहा है यहां पे स्पोर्ट में काफी उम्दा है परफॉर्मर को करते हुए नजर आती है। 4 एंडी स्पोर्ट आज देखना होगा टीम डी के सामने सीएस में किस तरीके का परफॉर्मेंस करने वाले। लेकिन जी शांतनु की तरफ से पहले राउंड में भाई कॉन्कर कर दिया जाएगा टीम डी को पूरी तरीके से यहां पे वाइप आउट करके इस मुकाबले में 1-0 की लीड बनाते हुए गाइस 4 एंडी स्पोर्ट के धुरंधर। वेल गाइस द सेकंड राउंड हैज अराइव्ड एंड जी यहां पे मुकाबला देखना होगा। शांतनु जिस तरीके से मुकाबला मेरे को करते हुए नजर आ रहे, मेरे को नहीं लग रहा कि टीम डी के यहां पे जी पैर टिकने देंगे। जिस तरीके का मुकाबला मेरे को करते हुए नजर आ रहे, कंधे से कंधा मिलाकर यहां पे खेलते हुए नजर आ रहे। लुक एट द पोजीशन, यहां पे अगर बात करें तो शांतनु फ्लैंक करने की कोशिश यहां पे मेरे को करते हुए नजर आ रहे, लेकिन इसी बीच जैनम एंड किशु जी मुसीबत भारी होने वाली है, बच के रहना होगा। जी इसी बीच यहां पे जैनम को जरूर यहां पे डाउन ले लेगा। एंड देखते देखते जी बहुत बढ़िया डैमेज यहां पे शांतनु को मिल चुका है, लेकिन तरफ जी यहां पे ब्रोकन एंड डाउन इजीली यहां पे लेके जाएंगे। देखते देखते अब की बार पकड़ बनाते हुए नजर आ रहे टीम डी के प्लेयर। मुकाबला काफी उम्दा, 1v2 का मुकाबला है। देखना होगा गाइस यहां पे मौका भी है, दस्तूर भी है, वापसी का संकेत भी दे सकते हैं। एंड 27 की तरफ से काफी अच्छा खासा यहां पे डैमेज जरूर दे देगा। विनी मेरे को अकेले बचते हुए नजर आ रहे, 3 किल जरूर कर चुके, लेकिन कहीं ना कहीं इस मुकाबले में मेरे को लगता है कि शायद वापसी का संकेत यहां पे देना चाहते टीम डी के प्लेयर्स। लेकिन देखना होगा गाइस यहां पे द मॉन्स्टर टीम डी क्या आज कमाल करने वाली है जब इनका सामना होने वाला है 4 एंडी स्पोर्ट के साथ। एंड 4 एंडी स्पोर्ट गाइस यहां पे मौका नहीं देगी, थोड़ा सा संभल के खेलने की जरूरत होने वाली टीम डी प्लेस को, क्योंकि जिस तरीके से गाइस यहां पे मेरे को मुकाबला चलता हुआ नजर आ रहा है तो यहां पे ब्रोकन एंड 27 बच गए। एंड जी ये बढ़िया मौका यहां पे मिल चुका है। एक वन नेबर के शॉट के साथ इस मुकाबले में वापसी करते हुए नजर आएगी गाइस यहां पे डी स्पोर्ट इस मुकाबले में। जी दावेदारी साबित यहां पे करते हुए नजर आ रही गाइस यहां पे। दोनों ही टीमें बराबरी कर चुकी है, उम्दा मुकाबला दोनों तरफ से गाइस यहां पे मैच खुल चुका है, लेकिन आगे देखना होगा गाइस इस मैच में क्या ट्विस्ट देखने को मिलता है। तीसरा राउंड आ चुका है गाइस एंड तीसरे राउंड में गाइस ऑब्जर्व टीम पहुंच चुका है। जी ऑब्जर्व टीम देखना होगा क्या पे कमाल होने वाला है। राइजन का शायद थोड़ा सा नेट का अप डाउन होने वाला है, शायद यहां पे वापसी कनेक्ट करेंगे एंड दोबारा से मैच बनेंगे। बादशाह जिस तरीके से यहां पे बादशाह रियल में बादशाह होने वाला है, बहुत उम्दा है मेरे को शॉट लगाते हुए नजर आ रहे, थोड़ा सा बच के रहने की जरूरत है। सामने एंड दैट गोल गाइस ओएमजी शॉट बाय द 27। देखते देखते प्लेयर को यहां पे डाउन ले लेंगे। देखते देखते जी जैसे मैं बोल रहा था यहां पे पूरी तरीके से 4 एंड स्पोर्ट यहां पे कोई भी मौका नहीं देगी, बच के रहने की जरूरत होने वाली है। राइजन के सामने एक प्लेयर एंड जी बड़ी गलती होने वाली थी। 1v1 का गाइस यहां पे मुकाबला एंड 1v1 के गाइस मुकाबले में ब्रोकन क्या कमाल करने वाले, मैं जरूर देखना चाहूंगा गाइस। मुकाबला काफी उम्दा, लेकिन जी ये बड़ी गलती, ये तो मौत की तरफ यहां पे जाया जा रहा था। एंड मौत यहां पे शांतनु जी छोड़ेंगे नहीं, काफी उम्दा गाइस खिलाड़ी होने वाले। कहने की गाइस यहां पे फेयर एंड स्क्वायर मुकाबला था, 1v1 का मुकाबला था, शायद ब्रोकन को पोजीशन का पता नहीं था, इसी वजह से अंधाधुंध मेरे को लग रहा था कि चलते हुए नजर आ रहे थे, जिसका फायदा पूरी तरीके से 4 एंडी स्पोर्ट को जाता हुआ। एंड इसी के साथ गाइस इस मुकाबले में 1 पॉइंट की लीड बनाती हुई 4 एंडी स्पोर्ट।
चौथे राउंड आ चुके गाइस एंड चौथे राउंड में गाइस पहुंचे राउंड में पहुंच चुके एंड जी देखना होगा क्या यहां पे टीम डी के गाइस जो प्लेयर है वो वापसी करने का कोई संकेत देने वाले हैं गाइस वी नेवर नो। मुकाबला तो काफी उम्दा मेरे को चलता हुआ नजर आ लेकिन लेट्स सी गाइस व्हाट्स गोइंग टू हैपन इस मुकाबले में किस तरीके का कमाल यहां पे करने वाले राइजन जरूर यहां पे रिवाइवल संभव हो चुके हैं। शांतनु की गाइस यहां पे जो पोजीशन होने वाली है वो इस मैच को डिसाइड करने वाली है कि कहां पर ये राउंड जाने वाले ये शोर लगाने कोशिश ये बढ़िया शोर ये 159 का बहुत उम्दा गाइस यहां पे शॉट होने वाले शायद यहां पे गलती ना कर जाए जी एक बड़ी गलती यहां पे ग्रोजा के द्वारा यहां पे किसु के द्वारा यहां पे डाउन लेने का एंड जैसे मैं बोल रहा था कि बड़ी गलती यहां पे जरूर मेरे को करते हुए नजर आए शायद यहां पे जरूरत नहीं थी क्योंकि उनके पास यहां पे कवर नहीं था। गलती की गलती का फायदा पूरी तरीके से फोर एंड स्पोर्ट यहां पे उठाते हुए नजर आए एंड कहने के मेरे को लग रहा है जी ये शॉट देखने को बात तो यहां पे जी कदम बिल्कुल भी नहीं यहां पे टिकने दिए जाएंगे। शांतनु सामने तरफ यहां पे अकेले प्ले एंड शांतनु गाइस यहां पे प्रबल दावेदार यहां पे जिस तरीके से मुकाबला मेरे को करते हुए नजर आ रहे बहुत उम्दा तरीके से एंड हार्ड लक टू द टीम डी गाइस यहां पे 2 पॉइंट की लीड कहीं ना कहीं यहां पे कमा चुके फोर एंड स्पोर्ट के प्ले वापसी का संकेत स्टार्टिंग में जरूर दिया था लेकिन उसके बाद शायद यहां पे पिछाड़ते हुए नजर आ रहे फोर एंड स्पोर्ट के प्ले कहीं ना कहीं मुकाबला काफी उम्दा कांटे की टक्कर गाइस मैं जरूर देखना चाहूंगा। एंड गाइस फिलहाल अगर स्कोर लाइन की बात करें तो 3-1 ऑन द स्कोर लाइन गाइस। पांचवें राउंड आ चुके गाइस एंड पांचवें राउंड में गाइस रिवर्स डैम पे पहुंच गए गाइस फोर एंड स्पोर्ट गाइस बीइंग सेड दैट दिस इज वेरी डेंजरस टीम बहुत उम्दा गाइस टीम होने वाली थी। किशु जरूर यहां पे डाउन हो चुके हैं लेकिन फिर स्क्वायर मुकाबला एक प्लेयर जरूर यहां पे टीम डी का भी डाउन हो चुका है एंड जैसा मैं बोला था कि शांतनु गाइस इनकी जो पोजीशन होने वाली है बहुत मायने रखने वाली है। किशु विनु जरूर यहां पे डाउन हो चुके हैं कहीं ना कहीं जिस मुकाबले में वापसी का संकेत यहां पे टीम डी के प्लेयर्स यहां पे देना चाहते हैं लेकिन क्या दे पाएंगे। सामने तरफ यहां पे 3v4 के गाइस यहां पे मुकाबला जी यहां पे विनु के जरिए यहां पे रिवाइवल संभव हो चुका है। सामने तरफ लवर होने वाले थे एंड व्हाट अ वन नंबर शॉट बाय द शांतनु अब की बार कोई भी मौका ना देते हुए 2v2 के गाइस यहां पे मुकाबला हो चुका है जी विनु की तरफ से गाइस यहां पे बहुत उम्दा ये राइट नंबर का शॉट होने वाला था। सामने तरफ मेरे को अकेले प्लेयर बचते हुए नजर आए लेकिन थोड़ा सा बच गया लेकिन ये बड़ी गलती यहां पे अपने पैरों पे आवे शायद मेरे को लगता है कि कुल्हाड़ी मार ली गई है एंड 1v1 का गाइस मुकाबला बादशो का रिवाइवल अगर संभव हो जाता है तो ये लिटरली 1v2 का मुकाबला हो जाएगा एंड कहीं ना कहीं शांतनु अकेले बचे हैं। वुड पिकर डबल बैल कॉम्बिनेशन गाइस वर्ल्ड बेस्ट कॉम्बिनेशन होने वाला है लेकिन कहीं ना कहीं यहां पे विनु ने ट्राई काफी अच्छा किया था लेकिन शायद यहां पे बच नहीं पाए एंड मुझे लगता है कहीं ना कहीं गाइस यहां पे शायद जा सकता है जोन के संकेत तक ये राउंड लेकिन कहीं ना कहीं सामने एक तरफ अगर बात करें तो बादशाह एंड ब्रोकन हेल्थ दोनों की कम होने वाली है एंड जी खुद को हील करेंगे मैच में दोबारा से बनेंगे एंड मुझे देखना होगा गाइस यहां पे शांतनु क्या कमाल करने वाले अगर 1v2 का यहां पे क्लच निकाल देते हैं शांतनु तो कहीं ना कहीं गाइस इस मुकाबले में 3 पॉइंट की बड़ी लीड शांतनु के खाते में चली जाएगी लेकिन सामने तरफ गाइस यहां पे जो प्लेयर होने वाले कच्ची गोली आने के लिए काफी उम्दा गाइस खिलाड़ी होने वाले शांतनु अंदर की तरफ आएंगे एंड जी यहां पे अगर मौका दिया जाएगा तो मौके पे चौका लगाना बखूबी यहां पे आता है लेकिन जी ब्रोकन पलटवार करते हुए सुपर रोहन के साथ इस मैच में कमबैक का संकेत देते मेरे को नजर आएंगे एंड इसी के साथ गाइस इस मुकाबले में बहुत उम्दा तरीके से कमबैक यहां पे टीम डी के प्लेयर्स मेरे को करते हुए नजर आएंगे। जैसे मैं बोला था कि कांटे की टक्कर मेरे को देखने को मिली है नहीं लग रहा कि किसी की तरफ ज्यादा पलड़ा भारी एक टाइम पे जरूर फोर एंड स्पोर्ट के प्लेयर यहां पे कहीं ना कहीं 2 पॉइंट की लीड बनाने में कामयाब हो चुके थे लेकिन कहीं ना कहीं फिलहाल अगर बात करें तो टीम डी के प्लेयर्स गाइस यहां पे वापसी का संकेत देते हुए छठे राउंड आ चुके गाइस एंड छठे राउंड में गाइस हम मेल पे पहुंच चुके हैं जी आज टीम मुकाबला करेगी गाइस फोर एंड स्पोर्ट का जेएनएम वन ऑफ द बेस्ट स्नाइपर इन अवर सर्वर एंड फोर एंड की तरफ से गाइस प्लेयर खेलता है एंड जेएनएम की स्नाइपर भाई बहुत उम्दा है। इस बंदे का मैं अलग से भी एक बार टेस्टिंग जरूर लेना चाहूंगा क्योंकि भाई इनके स्नाइपर देख के ना मजा आ जाता है काफी उम्दा तरीके से गाइस स्नाइपर चलाते हैं एंड स्टेबल काफी है बहुत उम्दा तरीके से जी सिंगल स्नाइपर होने वाले फिर भी यहां पे पूरी तरीके से रोकने में कामयाब हो चुके लेकिन देखते नीचे जी यहां पे ऊपर की तरफ यहां पे जैनम जरूर होने वाले थे लेकिन नीचे पूरे यहां पे पासे पलट चुके लेकिन ये शॉट लगाने की कोशिश थोड़ा सा मिस आउट होते मेरे को जरूर नजर आएंगे लेकिन अब की बार मिस आउट नहीं होंगे एक प्ले को जरूर यहां पे डाउन लेके जाएंगे एंड 2v3 का गाइस यहां पे मुकाबला राइजन नीचे की तरफ होने वाले एंड कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि शायद यहां पे जी शांतनु बचे हैं काफी लंबा फ्लैंक करके काफी लंबा सफर तय करके आए हैं लेकिन क्या ये इनके फेवर में जाने वाले हैं टीम डी के प्लेयर्स यहां पे कंधा से कंधा मिलाकर इस मुकाबले में वापसी का संकेत
के देना चाहते हैं। जी यहाँ पे 27 लुक एट द हेडशॉट गाइस, यहाँ पे क्या यहाँ पे हेडशॉट मिल पाएगा, बड़ा सवाल शुरू होने वाला है। मुझे लगता है कि अगर कहीं ना कहीं यहाँ पे शांतनु को रोकने में कामयाब हो जाते हैं तो जैनम को इसलिए यहाँ पे डाउन लिया जा सकता है, लेकिन देखना होगा यहाँ पे 27 ब्रोकन राइजन। जी गाइस मुकाबला काफी उम्दा एंड 27 थोड़ा सा बच के रहने की जरूरत होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे शांतनु जो सामने तरफ प्लेयर होने वाले हाईएस्ट किल कर चुके गाइस इस मुकाबले में, 8 किल कर चुके एंड कहीं ना कहीं जी एक प्लेयर यहाँ पे राइजन डाउन हो चुके हैं, बड़ी गलती संकेत यहाँ पे जरूर होने वाला है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं 2v2 का मुकाबला फिर है, स्क्वायर मुकाबला जैनम के सामने जी ब्रोकन होने वाले एंड ब्रोकन शायद यहाँ पे डाउन लेके जाएंगे। एंड जैसा मैं बोलो तो गाइस यहाँ पे 1v2 का मुकाबला है कि बड़ी कामयाबी हाथ में मेरे को जरूर लगती हुई नजर आ रही है। जैनम जरूर यहाँ पे डाउन चुके एंड सामने तरफ गाइस यहाँ पे होने वाले हैं जी शांतनु होने वाले, अकेले मेरे को बचते हुए नजर आएंगे एंड शायद यहाँ पे गलती बड़ी होती है। जय शांतनु की तरह से द कंक्वेरर द मॉन्स्टर शांतनु जी काफी उम्दा तरीके से गाइस यहाँ पे 4 एंडी शांतनु अपना सुपर 10 मेरे को कंप्लीट करते हुए नजर आएंगे एंड इस मुकाबले में 2 पॉइंट की बहुत बड़ी यहाँ पे मुसीबत होने वाली है टीम डिप्लेस के सामने। क्या वापसी कर पाएंगे गाइस यहाँ पे काफी बड़ा सवाल होने वाला है। 7वां राउंड आ चुका है एंड 7वां राउंड में आते ही भाई ये लाल नंबर के ठीक है जी शांतनु को नहीं गंवाना चाहते इनके टीममेट, यहाँ पे 10 किल कर चुके शांतनु अकेले ऐसे प्ले जो अब तक इस मुकाबले पर पकड़ बनाने में कामयाब है, लेकिन बादशाह जी मेरे को रश करते हुए नजर आ रहे हैं। बादशाह के साथ यहाँ पे राइजन एंड ब्रोकन भी 7वें मेरे को जाते हुए नजर आएंगे। जैसा मैं बोल रहा था कि कहीं ना कहीं अगर यहाँ पे शांतनु को टारगेट किया जाता है, जैनम को अगर टारगेट किया जाता है तो मुकाबले में इजिली यहाँ पे पकड़ बनाने में गाइस यहाँ पे टीम डी के प्लेस कामयाब हो सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा बच के ये बढ़िया शॉट है, लेकिन शायद यहाँ पे राइजन गलती कर बैठे एंड देखते-देखते यहाँ पे 2 प्लेयर यहाँ पे डाउन चुके 2v2 का गाइस मुकाबला एंड बहुत दूरी पर होने वाले हैं, शायद 27 एंड ब्रोकन को कवर नहीं दे पाएंगे, मुश्किलात काफी बड़ी होने वाली है एंड ये अंतर बहुत बड़ा होने वाला है। देखते-देखते गाइस यहाँ पे जैनम एक प्ले को और यहाँ पे डाउन लेके जाएंगे एंड जैसा मैं बोला था कि मुश्किलात बहुत बड़ी होने वाली है 1v2 का गाइस यहाँ पे मुकाबला एंड 27 शायद यहाँ पे चल नहीं पाएंगे, लीड बहुत बड़ी यहाँ पे कमाते हुए मेरे को नजर आ रहे हैं। यहाँ पे 4 एंड ई-स्पोर्ट के प्लेयर गाइस बहुत उम्दा खिलाड़ी होने वाले, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं टीम डी के प्लेयर्स को आराम से सोच समझ के खेलने की जरूरत होने वाले, अंधाधुंध अगर रश करेंगे तो मुसीबतें डेफिनेटली आ सकती है। ये बढ़िया शॉट यहाँ पे जरूर कनेक्ट किया था, लेकिन उतना ही यहाँ पे टिट फॉर टैट यहाँ पे जरूर मिल चुका है, लेकिन 27 गाइस अकेले बचते हुए 1v3 का मुकाबला एंड मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे चांसेस नहीं होने वाले। एक प्ले को डेफिनेटली यहाँ पे डाउन लेके गए, लेकिन दूसरे प्ले को भी यहाँ पे शायद यहाँ पे बढ़िया, लेकिन यहाँ पे जी ये देखने को क्या मिल रहा है, यहाँ पे फिर से मारने की कोशिश की जा रही है शांतनु की तरफ से, लेकिन शायद जी एक गलती हो सकती थी फिर से मारने की कोशिश, लेकिन यहाँ पे जान बचाएंगे इनकी काफी उम्दा तरीके से मेरे को बाल बाल यहाँ पे बसते हुए नजर आया 4 एंड ई-स्पोर्ट के जरिए, क्योंकि यहाँ पे शायद मेरे को लगा कि शांतनु यहाँ पे फिर से मारने की कोशिश यहाँ पे कर रहे थे और कॉन्फिडेंस था, क्योंकि भाई यहाँ पे कहीं ना कहीं यहाँ पे 3 पॉइंट की लीड होने वाली है गाइस यहाँ पे, तो मुकाबला डेफिनेटली काफी उम्दा, लेकिन देखना होगा। फिलहाल अगर बात करें गाइस 5-2 ऑन द स्कोर लाइन गाइस, 8वां राउंड आ चुका है एंड 8वें राउंड में गाइस यहां पे मास्टर एटीएम पहुंच गए एंड हियर वी गो जी राइजन डबल बैल यहां पे जी हाथ में उठा के काफी तेजी से आगे मेरे को जाते हुए नजर आ रहे, लेकिन क्या ये इनके फेवर में जाने वाला है, बड़ा सवाल जरूर होने वाला है। मुकाबला डेफिनेटली काफी उम्दा होने वाला है एंड एक तरफा मुकाबला अब तक मेरे को देखने को मिला, कहीं ना कहीं यहाँ पे डी स्पोर्ट के प्ले काफी मेरे को पिछड़ते हुए नजर आ रहे। राइजन की अगर बात कर ले तो अभी तक एक ही किल कर पाए, जो कि यहाँ पे रेड की हड्डी होने वाली है टीम डी की, अगर ये नहीं चले तो मुश्किल यहाँ पे टीम डी के लिए जरूर सकते, लेकिन देखना होगा जब कमर कस लीजिए, क्योंकि यहां पे कहीं ना कहीं वापसी का संकेत यहां पे टीम डी प्लेयर्स को देना होगा तभी मुकाबले बन सकते हैं, वरना यहां पे 4 एंड ई-स्पोर्ट के प्ले एक तरफा गाइस इस मुकाबले को खत्म करके चले जाएंगे एंड जी जैनम डबल स्नाइपर दोबारा से यहां पे आ चुके हैं जी सामने तरफ इनके राइजन होने वाले, थोड़ा सा बच के रहने की जरूरत होने वाले। देखना होगा शांतनु को अच्छा खासा डैमेज यहां पे जरूर मिल चुका, लेकिन कहने की गाइस यहां पे 4 एंड ई-स्पोर्ट के प्ले गाइस जी लुकिंग फॉर द हेडशॉट, क्या हेडशॉट यहां पे मिल पाएगा, सामने तरफ एक प्लेयर यहां पे जरूर होने वाला था, शायद यहां पे ब्रोकन होने वाले थे लेकिन शायद वहां से जा चुके जी नहीं वहीं पे होने वाले हैं जी, थोड़ा सा बचकर रहने की जरूरत होने वाले। हुकुम का इस्तेमाल यहां पे जरूर किया गया, लेकिन ये बड़ी गलती वाइजन की तरफ से यहां पे जरूर डाउन ले लेगा 1v4 का मुकाबला एंड वापसी का संकेत यहां पे टीम डी के प्लेयर्स गाइस मेरे को देते हुए नजर आ रहे शांतनु 1v4 का कलर गाइस ये नामुमकिन होने वाला है, लेकिन क्या ये बंदा इसे मुमकिन कर पाएगा, 1v4 का कलर यहां पे निकालना काफी मुश्किल होने वाला है, लेकिन देखना होगा यहां पे 1v4 के मुकाबले में गाइस यहां पे क्या यहां पे कमाल करने वाले शांतनु। थोड़ा सा होल्ड करिए यहां पे जरूर बैठे डबल बैरल इनके पास होने वाले, लेकिन क्या डबल बैरल से जी नहीं यहां पे शायद अच्छा खासा डैमेज यहां पे जरूर मिल चुका है जी राइजन की तरफ से यहाँ पे डबल किल आएगा एंड इसी के साथ गाइस यहाँ पे टीम डी के प्लेयर्स वापसी का संकेत देते हैं, स्कोर लाइन पे थोड़ा सा मार्जिन मेरे को कम करते हुए नजर आएंगे। राइजन अब की बार डबल किल किया एंड अब की बार ही अपनी टीम को कमबैक का संकेत मेरे को देते हुए नजर आ रहे हैं एंड इसी के साथ गाइस मुकाबले में सिर्फ 2 पॉइंट के मार्जिन से 4 एंड ई-स्पोर्ट गाइस यहाँ पे आगे जाने वाली है।
आसमान पाताल एक करना होगा, एडी चोड़ी का जोर लगाना होगा, तभी गाइस इस मुकाबले में बने रह सकते हैं। राइजन अप के बारे यहाँ पे जरूर जैनम को डाउन लेके गए, जो की काफी बड़ी मुसीबत यहाँ पे पैदा कर रहे थे टीम डी प्लेस के लिए। कवर काफी उम्दा है मेरे को देते हुए नजर आते, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं 3-4 का मुकाबला एंड अभी टीम डी के प्लेस गाइस यहाँ पे कोई गलती मेरे को करते हुए नजर नहीं आ रहे, पूरी तरीके से होल्ड किया जा रहा है। इनको पता है कि मुकाबला बहुत बड़ा होने वाला है, 4 स्पोर्ट इतनी आसानी से रुकने वाली नहीं है, इनको रोकने के लिए काफी उम्दा तरीके से जी यहाँ पे अपना परफॉर्मेंस दिखाना होगा। लेकिन थोड़ा सा बचकर रहने की जरूरत होने वाली है, लवर काफी देरी से यहाँ पे मेरे को ताकते हुए नजर आ रहे, थोड़ा सा बचकर रहने की जरूरत है, शॉट बढ़िया होने वाला था लेकिन शायद यहाँ पे मिस हो जाएंगे, शायद यहाँ पे मिस हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पे जी फुल डाउन से यहाँ पे जरूर यहाँ पे डाउन स्टेक प्ले 2v3 का गाइस मुकाबला एंड शांतनु जरूर यहाँ पे 27 को गाइस यहाँ पे डाउन लेके गए एंड कहीं ना कहीं यहाँ पे पुरजोर कोशिश करते हुए गाइस यहाँ पे टीम डी के प्ले देखते देखते गाइस यहाँ पे जी समापन कर दिया जाएगा। एंड इसी के साथ गाइस इस मुकाबले में दोबारा से कमबैक का संकेत देते हुए गाइस यहाँ पे टीम डी के प्ले कहीं ना कहीं 2 बैक टू बैक निकाल चुका है एंड स्कोर लाइन पे गाइस मार्जिन सिर्फ 1 का होने वाला है। 10वां राउंड आ चुके गाइस एंड 10वां राउंड में गाइस हम केप टाउन में पहुंच गए हैं। जी यहां पे राइजन काफी तेज से मेरे को जाते हुए नजर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं यहां पे टीम डी के प्लेयर जिस तरीके से कमबैक कर रहे हैं काफी उम्दा तरीके से मेरे को कमबैक करते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं गाइस यहां पे अगर टाइम निकल गया, टाइम वंस गोन कांट बी रिकॉल्ड, तो जल्दी से यहां पे शायद बराबरी करके टीम डी प्लेयर्स को कमाल करके दिखाना होगा। लेकिन देखना होगा गाइस यहां पे जी अब की बार पूरी तरीके से होल्ड करके यहां पे बैठे 27 राइट साइड में यहां पे जरूर होने वाले कवर देने के लिए। लेकिन वेल मुकाबले डेफिनेटली गाइस यहां पे उम्दा मेरे को चलता हुआ नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं तूफान से पहले की ओर शांति थी, टीम डी के प्लेयर बैक टू बैक यहां पे 2 निकाल चुके, 5-4 स्कोर लाइन सारी कहानी बया करता हुआ वापसी बहुत उम्दा एंड जिस तरीके से इस मैच के पासे पलटे तो वो काफी उम्दा मेरे को जरूर यहां पे लगे जी। 27 के बाद डबल स्नैप जरूर होने वाले एंड शांतनु यहां पे वुड पीकर एंड मैक 10 कॉम्बिनेशन काफी उम्दा एंड जी ये शायद एक बड़ी गलती साबित हो सकती थी, अगर एक राइट नंबर का शॉट आता तो कहीं ना कहीं मुश्किल में टीम डी के प्लेयर्स यहां पे जरूर हो सकते हैं। लेकिन किशु की तरफ से देखना होगा यहां पे जी 4 स्पोर्ट की तरफ से जैनम शांतनु किशु एंड विन काफी उम्दा यहां पे मुकाबले मेरे को दिखाते हुए नजर आ रहे। बादशाह 27 ब्रोकन एंड वाइज जी ये प्ले क्या कमाल करने वाले, मैं जरूर देखना चाहूंगा एंड कहीं ना कहीं पुरजोर कोशिश करते हुए गाइस यहां पे डी स्पोर्ट के प्ले वापसी का संकेत देने की दोबारा से यहां पे कोशिश करना चाहेंगे। लेकिन क्या इनके लिए दरवाजे अभी भी खुले हैं या फिर यहां पे शांतनु कमाल करने वाले हाइट के ऊपर जा चुके एंड हाई ग्राउंड का एडवांटेज जी जरूर उठाने वाले। बादशाह को अच्छा खासा डैमेज यहां पे जरूर मिल चुका एंड जैनम भी जी हाई ग्राउंड के ऊपर है, ये बड़ी गलती 27 को जरूर यहां पे डाउन ले गए, ये एक बड़ी गलती जरूर होने वाली थी एंड मेरे को लगता है कि 4 स्पोर्ट के प्ले दोबारा से मैच पे कब्जा करने की मेरे को कोशिश करते हुए नजर आए। शायद यहां पे राइजर देखना होगा प्ले क्या कमाल करने वाले, एक प्ले को जरूर डाउन लेके गए लेकिन शायद ये काम नहीं करने वाला। 1v3 का गाइस मुकाबला एंड दोबारा से गाइस अबे 4 स्पोर्ट के प्ले दोबारा से अबे मुकाबले में कब्जा मेरे को करते हुए नजर आ रहे। अकेले प्ले शायद अबे जी अबे रिवाइवल समझ का, लेकिन देखते देखते अबे 27 अकेले प्ले बचे डबल स्नाइपर, लेकिन शायद अबे जोन में ही एलिमिनेट हो जाएंगे जी। नहीं यहां पे जोन में तो एलिमिनेट नहीं होंगे, एक प्ले को अच्छा खासा डैमेज अबे जरूर दे देगा लेकिन जी शत्रु की तरफ से ट्रिपल का सुपर राउंड के दरगाह को पुख्ता करते हुए एंड अपनी दावेदारी को जी साबित करते हुए 4 स्पोर्ट के शांतनु काफी उम्दा तरीके से गाइस यहां पे 15 किल कर चुके सुपर राउंड अप की बार भी लगाएंगे एंड इन्हीं के बलबूते पर गाइस यहां पे 4 स्पोर्ट गाइस मैच पॉइंट पे पहुंच चुके हैं। 11वें राउंड आ चुके गाइस एंड 11वें राउंड में गाइस कटोल से हमें पहुंच गए एंड गाइस आई कैन बिलीव दैट कि कहीं ना कहीं यहां पे 5-2 का स्कोर होने वाला था, वापसी का संकेत टीम डी प्लेयर्स ने काफी उम्दा तरीके से दिया लेकिन शायद उसे मेंटेन नहीं रख पाए एंड 4 स्पोर्ट के प्लेयर्स गाइस अब दोबारा से कमबैक करके मैच पॉइंट पर पहुंच गए एंड ये वो आखिरी राउंड होने वाला है। शायद इस राउंड में अगर वापसी नहीं करते टीम डी के प्लेयर्स तो कहीं ना कहीं इस मैच का समापन गाइस इसी राउंड में हो जाएगा, तो थोड़ा सा संभल के खेलने की जरूरत होने वाली है। ऑल थिंग्स कम टू हिम हु वेट, थोड़ा सा संभल के खेलिए तो मुकाबले में आप कमाल कर सकते हैं लेकिन देखना होगा यहां पे मुकाबला काफी उम्दा एंड मास्टर स्ट्रोक जो होने वाला गाइस वो राइजन होने वाला है डी स्पोर्ट की तरफ से। अगर राइजन चलते हैं तो कहीं ना कहीं वापसी इजीली यहां पे कर सकते हैं डी स्पोर्ट के प्लेयर, लेकिन देखना होगा राइजन क्या चल पाएंगे। ब्रोकन के साथ गाइस यहां पे बादशाह होने वाला एंड 4v4 के गाइस जैसे मुकाबले में देखना होगा जैनम जी ये रीड की हड्डी होने वाले, अगर इनको डाउन यहां पे टीम डी के प्लेयर्स लेके जाते तो कहीं ना कहीं मुकाबले में इजीली यहां पे पकड़ बनाने में कामयाब हो सकते हैं जी। राइजन लगातार यहां पे ताबड़तोड़ यहां पे मेरे को गोलियों की बारिश करते हुए नजर आ रहे जैनम के ऊपर,
मुसीबतें बड़ी होने वाले। क्या जैनम को अगर डाउन लेके भी जाते हैं गाइस तो कहने के मुकाबले में यहाँ पे पकड़ जरूर बना सकते हैं, लेकिन देखना होगा यहाँ पे। जी यहाँ पे बढ़िया शो डांस शास्त्री को यहाँ पे डाउन ले लेके एक जी रिपीट किया डी जरूर यहाँ पे डाउन हो चुका है। कहने के मेरे को लगता है कि अभी जैनम बचे हैं, जैनम देखना होगा यहाँ पे क्या कमाल करने वाले। एंड जी सामने तरफ गाइस एक प्लेयर होने वाला 3-4 का मुकाबला। एंड ब्रोकन भी जरूर यहाँ पे डाउन हो चुका है। एंड ब्रोकन बड़ी मुसीबत में होने वाले, 3v3 का गाइस यहाँ पे मुकाबला लगातार यहाँ पे मेरे को फायरिंग करते हुए नजर आ रहा है। किशु की तरफ से जरूर यहाँ पे गाइस यहाँ पे ब्रोकन को डाउन ले लिया गया। एंड मुझे कहने के लगता है कि थोड़ा सा अपना प्रीपेड माइंड रख के मुकाबले में बना चाहिए, क्योंकि चांस फेवर द प्रीपेड माइंड। एंड जी देखते देखते इस मुकाबले में डी स्पोर्ट के प्लेस गाइस यहाँ पे वापसी का संकेत देते हैं विनू अकेले बच्चे हुए। एंड 1v3 का मुकाबला मुझे नहीं लगता कि निकाल पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे डी स्पोर्ट के प्लेयर पूरी तरीके से यहाँ पे चालाकी से मेरे को खेलते हुए नजर आ रहे, कोई भी गलती मेरे को करते हुए नजर नहीं आ रहे। तो कहने के गाइस इस मुकाबले में जी कमबैक का संकेत आप जोड़ लीजिए। एंड जी दैट्स कॉल गाइस ओएमजी शॉट बाय द राइजर। एंड जी एक रेड नंबर के शॉट के साथ गाइस पिछले राउंड को यहाँ पे समापन किया जाएगा एंड वाइप आउट किया जाएगा 4 स्पोर्ट को। एंड कहने की गाइस यहाँ पे वापसी का संकेत देते हुए डी स्पोर्ट के प्लेयर एंड स्कोर लाइन पे मार्जिन दोबारा से थोड़ा कम करते हुए 12वें राउंड आ चुके गाइस। एंड 12वें राउंड में गाइस सेंटोसा में पहुंच गए गाइस टीम जी आज मुकाबला मेरे को करते हुए नजर आ रही है 4 स्पोर्ट के साथ। एंड कहने की गाइस मुख्य अभी भी होने वाली है, इफ यू हैव लिव यू हैव द चांस, कहीं ना कहीं आपके पास चांस है मैच में वापसी करने का। एंड शायद लगता है कि जी यहाँ पे ऊपर की तरफ होने वाले यहाँ पे जैनम तो बड़ी मुसीबतें जरूर होने वाली है, थोड़ा सा संभल के खेलने की जरूरत होने वाली है। राइजर पूरी तरीके से होल्ड किए हुए लवर की पोजीशन बहुत अपना राइट साइड में यहाँ पे जरूर होने वाले, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा संभल के खेलने की जरूरत होने वाली है, क्योंकि अभी भी पकड़ मैच पे होने वाली है 4 डी स्पोर्ट की। इस राउंड में अगर वापसी करते डी स्पोर्ट के प्ले तो मैच आगे कंटिन्यू रहेगा, वरना अगर 4 डी स्पोर्ट के प्ले इस राउंड को निकाल के लेके जाते तो मैच का समापन गाइस यहीं पे हो जाएगा। लेकिन पूरी तरीके से मेरे को होल्ड करते हुए नजर आ रहा है 27 के ऊपर, अच्छा खासा डैमेज यहां पे जरूर मिल चुका। मुझे लगता है जी 27 यहां पे विनू को डाउन लेके जाएंगे एंड विनू यहां पे जरूर यहां पे डाउन हो चुका है। 3-4 का मुकाबला मैन टू मैन एडवांटेज गाइस यहां पे डी स्पोर्ट के पास होने वाली है। एंड मुझे लगता है थोड़ा सा संभल के अभी भी खेलने की जरूरत होने वाली है। 27 काफी तेज से मेरे को आगे जाते हुए नजर आ रहे हैं। एंड जैनम यहां पे होने वाले हैं। एंड जैनम गाइस यहां पे काफी उमदा स्नाइपर होने वाले, वन ऑफ द बेस्ट स्नाइपर जैनम। जैनम के स्नाइपर हैट्स ऑफ ब्रो, बहुत उमदा तरीके से गाइस बंदा स्नाइपर चलाते हैं। डबल बैल वुड पिकर राइजन के हत्ते में होने वाली है एंड क्या ये कमाल करने वाले, मैं जरूर देखना चाहूंगा। यहाँ पे बादशाह 27 ब्रोकन एंड राइजन ये बहुत उम्दा गाइस खिलाड़ी होने वाले। एंड जी मुझे लगता है कि ये जो कड़ी होने वाली है, अगर इस प्ले को यहाँ पे डाउन लेके कहीं ना कहीं चले जाते हैं। एंड जी ये 12 ये बहुत उम्दा एंड जी अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन वुड पिकर के शॉट राइजन लगाएंगे। एंड जैसा मैं बोला था कि राइजन चलना डी स्पोर्ट के लिए गाइस यहां पे बहुत जरूरी है, राइजन जब तक नहीं चलेंगे तब तक वापसी का संकेत आ नहीं सकता। लेकिन गाइस इसी के साथ इस मुकाबले में 27 भी गाइस अपना सुपर 10 कंप्लीट करेंगे एंड यहां पे दोनों टीमें गाइस यहां पे मैच पॉइंट पे पहुंच चुके हैं डी स्पोर्ट एंड 4 स्पोर्ट। एंड देखना होगा गाइस ये आखिरी राउंड किसके हाथ में जाने वाला है। 13वां राउंड आ चुका गाइस। एंड 13वें राउंड में गाइस हम पहुंच चुके क्लॉक टावर में। एंड हे वी गो, काफी देर से राइजन मेरे को आगे जाते हुए नजर आ रहे हैं। जैसा मैंने बोला था गाइस यहां पे कहीं ना कहीं बड़ा मेरे को पलटवार जरूर देखने को मिला, कहीं ना कहीं 4 स्पोर्ट गलतियां छोटी छोटी करते रहे एंड स्मॉल मिस्टेक विल प्रूव टू बी बिग मिस्टेक, जिसका नतीजा ये हुआ कि अभी अगर बात करें तो गाइस यहां पे डी स्पोर्ट के प्ले पूरी तरीके से इस मैच पे पकड़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एंड जी कंटिन्यू यहां पे 2 राउंड भी गाइस यहां पे निकाल के लेके गए, लेकिन कहीं ना कहीं गाइस यहां पे दोनों टीमें मैच पॉइंट पे होने वाले तो संभल के खेलने की जरूरत होने वाली है। ये इस मैच का आखिरी राउंड गाइस यहां पे डेफिनेटली होने वाला है, लेकिन वो कौन सी टीम होने वाली है जो जीत के जाने वाली है, ये एक बड़ा सवाल होने वाला है। क्या वो 4 स्पोर्ट होने वाली है या फिर वो डी स्पोर्ट होने वाले, जिसने इतना बेहतरीन यहां पे कमबैक दिया वो जरूर देखना है। जी 27 की तरफ से जैनम को जरूर यहां पे डाउन लेगा एंड एक बड़ी यहां पे खड़ी होने वाली है। शायद यहां पे परफेक्ट टाइम टू रन, परफेक्ट टाइम टू रन, बड़ी यहां पे शॉट लगाते हुए 27 एक प्लेयर को जरूर यहां पे डाउन लेके जा चुके हैं। लेकिन 3v3 का गाइस यहां पे मुकाबला देखना होगा, मुकाबले में यहां पे कमाल क्या होने वाला है देखते देखते गाइस यहां पे जी ये बढ़िया शॉट, लवर का कवर, लवर का कवर, वन एंड ओनली रेड नंबर के शॉट के साथ। एंड जी ये बेहतरीन शॉट यहां पे बादशाह की तरफ से यहां पे जरूर लगा दिया गया, देखना होगा यहां पे रिवाइवल इजीली शायद यहां पे संभव हो जाएगा। अगर रिवाइवल यहां पे संभव हो जाता है तो मैन टू मैन एडवांटेज पूरी तरीके से जाती हुई गाइस यहां पे टीम डी प्लेस के खाते में एंड एक प्लेयर को दोबारा से यहां पे डाउन ले लेगा। एंड जी ये शॉट इस मैच का वन ऑफ द बेस्ट शॉट होने वाला था। एंड जी शॉट के साथ इस मुकाबले में पूरी तरीके से पासे पलटे गए हैं गाइस डी स्पोर्ट की तरफ से। मुकाबले डेफिनेटली काफी उमदा रहा, लवर आस नहीं छोड़ी एंड कहीं ना कहीं गाइस 12 किल करके अपनी टीम की तरफ से एमवीपी रहे। 12 किल लवर के खाते में, 8000 का डैमेज गाइस लिटरली
8000 का डैमेज, एंड 8000 के डैमेज के बलबूते पर गाइस अपनी टीम को वापसी कराते हुए ब्रोकन ने 9 किल किए, बादशाह ने 8 किल किए, राइजन 7 किल किए, लेकिन जिस तरीके से चले काबिले तारीफ, जब जरूरत थी टीम को उसी टाइम पे चले एंड अच्छी मुकाबले को निकाल के लेके गए काफी उम्दा तरीके से गाइस। अब यार 4 एंड स्पोर्ट की गाइस अगर बात करें तो वो भी बहुत उम्दा गाइस टीम होने वाली थी, स्टार्टिंग से मैच पे पकड़ रखी लेकिन छोटी छोटी यहां पे गलतियां करते रहे, जिसका फायदा पूरी तरीके से गाइस डी स्पोर्ट ने उठाया। शांतनु की अगर बात करें तो गाइस 15 किल जरूर किया अपनी टीम की तरफ से, एमवीपी रहे। जैनम ने 9 किल किए, विनी ने गाइस 5 किल किए, किशु थोड़ा सा कम जरूर चल पाया लेकिन 7-6 से गाइस मुकाबला महा मुकाबला डी स्पोर्ट के प्लेयर्स गाइस निकाल कर लेके गए। तो गाइस आपको मुकाबला कैसा लगा जल्दी जल्दी मेरे को कमेंट करके बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए, टेक केयर गाइस।